हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर लाइफ। माय नेम इज पंकज शर्मा। मैं चाहता हूं कि एक बार एक राजा के राज्य में एक उसका बहुत इम्पोर्टेंट हाथी था। ये जो हाथी था उसने कई सारे युद्ध राजा को जितवाए थे और राजा को इस हाथी के ऊपर बड़ा विश्वास था। एक बार की बात है कि वो हाथी थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लगा और धीरे धीरे समय के साथ साथ थोड़ा थकने लगा था। एक बार की बात है कि वो हाथी एक गड्ढे में गिर गया। जब वो हाथी एक गड्ढे में गिरा तो राजा को बड़ा टेंशन हो गया और जैसे ही वो गड्ढे में गिरा तो वो हाथी थोड़ा सा घबरा सा गया, क्योंकि वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, थोड़ा थक चुका था और वो जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन के गाँव वाले जितने लोग थे उसके पास में आए और उन्होंने देखा कि ये हाथी जो है वो बड़ा घबरा रहा है, उसको बाहर निकालना है। अब हाथी तो हाथी होता है, बड़ी हैवी पर्सनैलिटी होती है हाथी की, आपको पता है कितना सारा उसका वेट होता है। लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो हाथी उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाया। तो सारे लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने किसी तरह राजा को बताया। राजा भी उस हाथी के पास में आया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि इस हाथी ने मेरे साथ इतना सारा काम किया है, इसने मुझे इतने सारे युद्ध जितवाए हैं और आज मैं इसकी सहायता नहीं कर पा रहा हूं। अब हाथी को निकालने का प्रयत्न शुरू हुआ और जितने भी लोग थे, जितने भी ताकतवर शक्तिशाली लोग थे, उन सबको बुलाया गया और वो फाइनली बड़ी कोशिश करने के बाद में भी हाथी को नहीं निकाल पाए। तो वहां पर एक महात्मा वहां से गुजरते हैं और सब लोग उस महात्मा के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि महात्मा जी, इस हाथी को बचाना है, आप इसको बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो वो जो महात्मा जी थे उन्होंने एक बात बोली कि राजन, एक काम करो, जिस तरीके से आप युद्ध के समय में जो नगाड़े बजाते हो, युद्ध के समय में जो आप जितने तरीके के जो ढोल नगाड़े बजाते हो और ऐसा आह्वान करते हो कि युद्ध होने वाला है और जिससे पूरी सेना रोमांचित हो जाती है और पूरी जोश में आ जाती है, उस तरीके के नगाड़े बजाइए, मंदिर में घंटे बजाइए और आसपास जितनी भी चीजें हो सकती हैं बजाइए, ऐसा लगना चाहिए कि आप वास्तव में युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब उस महात्मा का ये कहना था और राजा ने सभी लोगों को बुलाया, जितने भी उसके साथ मंत्री संतरी थे, सभी लोगों ने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाना शुरू किए। अब जैसे ढोल नगाड़ों की आवाज हाथी के कानों तक पहुंची, हाथी को लगा कि वास्तव में युद्ध होने वाला है और हाथी के अंदर वापिस से वो सारे युद्ध जितने उसने लड़े थे राजा के साथ में, वो सारे के सारे युद्ध की यादें जो है वो ताजा हो गई। और यकीन मानिए, वो हाथी नगाड़ों की आवाज सुन सुन के जैसे जैसे आवाज तेज होती है वैसे वैसे वो हाथी और ज्यादा रोमांचित हो उठता और जोश में आकर के हाथी उस गड्ढे से बाहर निकल गया। जब हाथी उस गड्ढे से बाहर निकला तो सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। हमारा जीवन भी इसी तरीके से है, जितनी सारी पॉजिटिविटी हमारे पास में होनी चाहिए क्या वो वास्तव में है? तो इस समय में, इस संकट के समय में, इस मुश्किल के समय में, जब ये कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, उसने पूरी देश को अपने ग्रिप में करके रखा हुआ है, हम एक काम तो कर सकते हैं कि समाज में, सोसाइटी में जो पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। मेरा निवेदन है आपसे, आप जिस किसी से भी मिलते हैं, मोबाइल में जो भी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाइए। ऐसे लोगों को जो कोविड से संक्रमित हैं उनको विश्वास दीजिए, आश्वासन दीजिए कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनको ये बताइए कि कितने लोग इससे ठीक हो चुके हैं। दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है विज्ञान में, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है इननेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जिसको प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं हिंदी में, जो आप बाहर से सीखते हैं, जो आपको बाहर से मिलती है when you expose to such situation, और दूसरी होती है आपकी अंदरूनी ताकत जिसको बोलते हैं innate immunity। तो आपकी अंदरूनी ताकत जो शरीर के अंदर की, जो आपके रक्त में, आपके रुधिर में, आपके ब्लड में जो ताकत है, वो इतनी शक्तिशाली है कि वो आपको बड़े से बड़े मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो मेरा निवेदन है, लोगों की इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाइए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, क्योंकि जो मन हारा वो सब हारा। तो निवेदन है आप सभी से कि ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, मन को उनकी प्रबलता दीजिए और उनको बताइए कि ये जो कोविड है आप इससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये मेरा एक मिशन है कि आप इस समय में जिस किसी भी राज्य में रहते हैं, जिस किसी भी जगह पर रहते हैं, वहां पर एक काम तो आप कर सकते हैं कि इस मैसेज को, ये जो मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ एक मिशन के रूप में, इस मैसेज को आप कई लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मेरा निवेदन है आपसे कि फॉरवर्ड कीजिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिस तरीके से उस हाथी के कानों में जो नगाड़ों की आवाज गूंजी थी और वो बाहर निकल गया, और मुझे विश्वास है कि हम सभी लोग इसी तरीके से इस कोरोना रूपी ये जो एक वायरस है, इससे बाहर निकल पाएंगे और इसके डर से बाहर निकल पाएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।